स्टूडेंट्स, जैसा कि हम ब्रांच अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो देखिए ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हमें दिया गया है स्टॉक, तो इसको हम कहेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, हम लिखेंगे इसके साथ। अच्छा जी, इसकी क्लासेस भी होती हैं 4:38 की, और असाइनमेंट्स भी हम देते हैं। चाहिए तो आप क्लासेस का टाइम है जी 7:30 बजे का, और असाइनमेंट्स आप हमसे ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी गाइडेंस हम प्रॉपर करते हैं। पढ़ना है तो अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ो, नहीं पढ़ना तो यार बेहतर है इसको छोड़ दो टाइम से, और इसकी जगह कोई और रख लो। ठीक है, आई होप सो कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं जी अपने। सबसे पहले मैंने बैलेंस ब्रॉड डाउन में क्या लिखा है जी, स्टॉक लिखा है, और उसके बाद हम लिखेंगे जी नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट जी ठहरिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले ये है जी स्टॉक, तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा स्टॉक। और उसके बाद अब आपने ना एक काम करना है यार, बड़ा ही इजी काम है। इधर लिखो स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक, ये भी लिख लो 15,750, 15,750। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी डेटर्स, तो अभी आपने ना इधर भी डेटर्स लिख देने। जॉन छोड़ो भाई, मतलब आपको ये मैं कभी फॉर्मेट सारे दे दूँ ना, मैंने पूरी बुक के फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, तो पूरी बुक के फॉर्मेट बनाए हुए हैं, तो वो बुक्स बुक के फॉर्मेट जो होते हैं उससे क्या होता है, आपको सारी बुक मिनटों में याद हो जाती है यार, मसला ही कोई नहीं है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, तो हमें क्लोजिंग डेटर्स दिए गए हैं, तो यही मैं उठाता हूँ यार, इधर पेस्ट करके उसकी अमाउंट लिख देता हूँ, उसकी अमाउंट लिख देता हूँ 9450, ये मैंने लिख दी। अच्छा ये देखिए, अब ये हमारे पास ना गुड्स सेंड टू ब्रांच है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो ये कितनी है 9550। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट लिख के हम यहाँ लिखेंगे रेंट, रेंट अकाउंट, यानी हमने रेंट पे किया 4200 का। देखो यार कितना आसान है ये, कभी आपको मैं फॉर्मेट दे दूं, मिनटों में आपने इस पूरे को खत्म कर देना है। कैश सेल्स हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे 60,000, ये मैंने 60,000 लिख दिया। नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स का यहाँ ताल्लुक ही नहीं होता, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हम यहाँ लिख देंगे सेम इसी तरह जैसे ये मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिख दें 34,650। यहाँ हम वेजेस पेड लिखेंगे 3,750, और यहाँ पे वेजेस ओइंग होती हैं जो हमने पे करनी होती हैं वेजेस, तो उनको भी बिल्कुल जी हम लिखेंगे यहाँ पे कि जो हमने वेजेस ओइंग है, वेजेस ओइंग, अब ना पहले वेजेस अकाउंट लिखें फिर वेजेस ओइंग भी लिखें, वेजेस ओइंग भी लिखें, वेजेस ओइंग। ठीक हो गया जी, तो ये है 350 की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हैं जी सैंड्री एक्सपेंसेस, हम वो भी लिख देंगे, और वो हैं जी 840 के। तो अब आपको करना क्या, अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस गुड सेंड टू ब्रांच पे आपने लोडिंग निकालनी है, उसका तरीका है 9550 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 120, तो ये मैंने इसकी लोडिंग निकाली है, तो ये देखें ये इसकी लोडिंग निकल आई। इसी तरह मुझे अभी लोडिंग निकालनी है स्टॉक पे, क्या होती है लोडिंग, उसके लिए आपको सिंपल हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है यार। आप फील करोगे कि आपने एक अच्छा काम किया, रीजन बीइंग इज कि हम यार पूरी आपको ना उसके साथ पढ़ाते हैं, स्टॉक रिजर्व्स कहते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक पे मैं निकालने लगा हूँ, तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, इस तरीके से आप इसको करेंगे सिंपल। आपने ये देखे, मैंने आपके सामने पूरी कैलकुलेशन करके दे दी, अभी हम ओपनिंग स्टॉक पे निकालेंगे सब। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक रिजर्व लिखेंगे, यहाँ उसकी अमाउंट लिखेंगे 13,125, उसको 20 से मल्टीप्लाई और 120 से डिवाइड कर देंगे, और डियर यहाँ पे लिख के, और इसको ये हम फाइनल कर देंगे। कितना आसान है लोडिंग, वैसे लोडिंग बताऊँ होती क्या है, कॉस्ट के अंदर जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसको लोडिंग बोलते हैं। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ऐड किया तमाम को, और इसी को मैंने यहाँ लिख लिया, ऊपर से माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने कर दिया जी आपके सामने, ये मेरा प्रॉफिट, ये देखें ना इसने यही मांगा है ना एक्चुअल प्रॉफिट वो निकाले, तो मैंने ये निकाल के दे दिया आप। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं, नंबर मेरा आपके पास है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।
चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपके लिए, गैसेस और ब्ला 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 बहुत सारी चीजें आती रहती हैं इसके लिए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।